सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था 5.1, उसमें हमें समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी और हम सीखे थे कि जैसे मान लो ऐसे ये कोई समांतर श्रेणी होती है, इसमें ए क्या होता है, प्रथम पद, इसको हमने ए नाम दिया था। इन दोनों से जो अंतर या इन दोनों का जो अंतर निकालते हैं उसको सार्वंतर नाम दिया था, उसको डी से डिनोट करते हैं। ए और डी निकाला, इसके बाद हमने आगे के चार पद निकालना सीखे। अब यही काम हम 5.2 में करेंगे, उससे थोड़ा सा हटके। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे दसवें नंबर पे, जैसे ये होता है पहले नंबर की संख्या मतलब A1, दूसरे नंबर की A2, तीसरे नंबर की A3, ऐसे ही चौथे नंबर की A4, पांचवे नंबर की A5, छठे नंबर की A6 और ऐसे ही दसवें नंबर की मान लो जैसे A10। तो अब आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाए कि दसवें नंबर की संख्या बताओ, तो वो ज्ञात करने के लिए यहाँ पे उसको nवा पद कहते हैं। एन का मतलब है जितने नंबर पे आपको ज्ञात करना है। इसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इनको ज्ञात करेंगे, तो हम उस पे आते हैं। जैसे हमने पहला पद तो ये ए होता है, दूसरा पद केस क्या होता है A1+D, तीसरा पद होता था हमारा A2+D, चौथा पद होता है हमारा A3+D, पांचवा पद होगा A5=A4+D। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आपको ये A2+D या A1+D है, तो A1 का मान कितना था, A+D हो गया। अब यहाँ A2+D निकालना है, तो देखो A+D और ये एक D है, तो ये हो गया A+2D। तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि जितना इधर है, जैसे पहला है तो इसमें D नहीं है, दूसरा है तो एक बार D है, तीसरे नंबर का निकालना है तो दो बार आएगा, ऐसे अगर मान लो चौथी बार निकालेंगे, चौथी बार का निकालना है तो इससे क्या बनेगा A3, तो A3 का तो ये रहा हमारे पास और एक डी है, तो ये हो जाएगा A+3D। मतलब अगर चौथी बार का निकालना है चौथे नंबर वाला तो A+3D, पांचवी बार का निकालेंगे तो ये हो जाएगा A+4D। तो ऐसे ही अगर मान लो हम निकालते हैं nवे नंबर का ... तो जब nवे नंबर का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक तरह से। जैसे यहाँ इससे एक कम आता है, जैसे यहाँ पांचवे नंबर का है तो हमारे पास आ रहा है 4, तो अगर n नंबर का है तो इससे एक कम का मतलब माइनस, और ये बन जाएगा पीछे का d। तो ये एक तरह से आपका फॉर्मूला है, इसको कहते हैं nवा पद ज्ञात करने का, nवा पद ज्ञात करना। मतलब यदि आपको इस तरह नहीं करके आपसे बोल दिया जाए सीधा सीधा कि किसी भी समांतर श्रेणी का दसवां पद, ग्यारहवां पद या पचासवां पद ज्ञात करो, तो फिर हम इसको यूज करके नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र में मान जमा के इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसमें जो ये है, ये तो यही है एनवा, ये आपको पता है प्रथम पद, ये पदों की संख्या, मतलब आपको कौन से नंबर का पद ज्ञात करना है या कौन से नंबर की संख्या ज्ञात करनी है उसको कहते हैं एन।
जैसा आपसे बोल दे कि 10वें नंबर का ज्ञात करो, या कोई दो तीन संख्या देती, जैसे संख्या है आपके पास मान लो 10, 7, 4 और आपसे बोल दे 30वां पद बताओ, तो अब आप डायरेक्ट कैसे ज्ञात करोगे? मान लो आपको डी भी पता चल गया तो अब जोड़ जोड़ के आप 30 तक तो ना जोड़ने जाओगे। तो उसी के लिए हमारे पास जो सूत्र बना है वो ये है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका उपयोग करते हुए हम 30वीं संख्या डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। तो इसी काम को, 30वीं संख्या ज्ञात करने को जल्दी करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं, और इस पर हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसको कर। और जो डी है आपके पास यहाँ पे, ये डी क्या है, सार्व अंतर। इसको एक बार और देख लेना फॉर्मूले को कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an जो है वो nवां पद है जो हमें ज्ञात करना रहेगा, a जो है प्रथम पद, n है जो पदों की संख्या, और d जो है सार्व अंतर। इस 5.2 में हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीखना है, इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन आएंगे। और इसमें हमें करना क्या रहेगा कि ये जो चार चीजें हैं इसमें से कोई सी भी तीन अपन को देंगे हमें मिलेगी, और एक चीज अपन को फाइंड करनी रहेगी इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उससे पता चलेगा आगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 10, 7, 4 डॉट 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 आगे तक चल रही है ये अपनी समांतर श्रेणी, उसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो अब हमें यहाँ पता है कौन सा 30वां, तो ये ध्यान रखना है 30वां पद ज्ञात करना है। अब 30वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि a का मान क्या है। a आपको पता है क्या है, प्रथम पद। तो इस समांतर श्रेणी में सबसे पहले जो संख्या लिख रही है वही प्रथम पद होता है, तो सबसे पहले संख्या क्या है यहाँ पे 10। इसके बाद हमारे पास है d, तो d मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था a2 माइनस a1, मतलब दूसरे नंबर वाली संख्या में से पहले नंबर वाली संख्या को माइनस करेंगे तो हमारे पास में d का मान आ जाएगा। तो पहले दूसरे नंबर की संख्या तो है 7, माइनस करेंगे इसलिए माइनस का चिन्ह, और पहले नंबर वाली करनी है तो पहले नंबर पे लिख रहा है हमारे पास में 10। अब आपको पता है एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं हम इनको घटाते हैं। अब इनमें जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगाना है, तो बड़ा कौन है 10, तो उसके माइनस का इसलिए हुआ माइनस। ये करने के बाद अब आपको पता है आपको पदों की जो संख्या है n, n क्या है पदों की संख्या, तो कौन सा पद अपन को ज्ञात करना है 30वां, मतलब संख्या कितनी है जिसको ज्ञात करना है 30वें की। अब आपको कुछ नहीं करना है, उस सूत्र में मान जमाना है और हमारे पास सूत्र है nवां पद ज्ञात करना। सूत्र क्या है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान जमाना है तो an, तो ये a तो है, n का मान कितना 30, मतलब 30वां पद ज्ञात करना है। जैसे हमने इसके पहले मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो हम लिखते कैसे इनको a1 a2 a3 a4, तो वैसे ही ये कौन सा नंबर ज्ञात करना है हमें a30। a का मान कितना दिया है 10, इसके बाद n तो 30 है ही सही, तो ये 30 माइनस का d का मान कितना आया है माइनस का 3, तो ये माइनस के 3, तो ये तो a30, ये 10 प्लस 30 में से एक माइनस करेंगे 29, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस देखती है 29 गुणा में माइनस के 3। अब इनको गुणा कर लेंगे, ये 10। सबसे पहले प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, अब इसको गुणा कर लो 9 को 3 से, 9 से 3 से करेंगे, 9 3 27 के 7 हासिल के 2, 3 2 6 6 और 2 8, तो ये आ गए 87। अब अलग अलग चिन्ह आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का, तो जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं हम इनको घटाएंगे
और घटाएंगे तो ये आएगा 77। इन दोनों में बड़ा कौन है, 87 माइनस का है तो चिन्ह लगा देंगे माइनस, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो 30वें नंबर पे संख्या आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 77 आएगी। और इसको एक बार और देख लेना फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो 10, 7, 4 उसका 30वां पद ज्ञात करना है, 5.2 का पहला क्वेश्चन ऐसा ही है हमारा कि जो भी दे रखा है उसका कोई पद ज्ञात करना है, वो पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सा पद ज्ञात करना है। तो इसमें हमारे पास है कि आपको 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद जो है ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले उसमें देखो चार चीज़ें होती है सूत्र में, कोई सा भी पद जो ज्ञात करना है वो आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि हम जो सूत्र लगाना है वो ये वाला लगाना है। इसमें चार ही है, 1, 2, 3, 4, तो चार में से कोई सी भी तीन हमें मिल जाएगी और एक हमें निकालनी है। तो हमें ये तो निकालनी है, तो ये जो तीनों है वो यहाँ अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखो ए दिखा, तो ए का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले संख्या है वो ए का मान, तो सबसे पहले संख्या कितनी है 10, वो ए का मान। इसके बाद एन, तो एन उसने खुद ने दे रखा है 30। डी आया, तो डी के बारे में हमने बता रखा है कि दूसरे नंबर में से पहले नंबर वाली घटाना है, तो हमने घटा दी तो ये माइनस का आ गया। डी दूसरे नंबर की संख्या नहीं होती है, बहुत सारे इसको ये लिख लेते हैं कि वो जो ए तो ये हो गई तो डी दूसरे नंबर की, और इसको बी समझ लेते हैं बहुत सारे, तो ये बी भी नहीं समझना है, ये डी है तो डी का डी रहना चाहिए। डी का मतलब हमारे अंग्रेजी में डिफरेंस होता है और हिंदी में हम लिखते हैं इसमें अंतर, सार अंतर, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, यहाँ गलती कर देते हैं। ये मान निकलने के बाद सिंपल हमें जमाना है कि जहाँ जो है उसको उठा के वो मान रखना है, जैसे एन है तो एन को उठा के एन का मान, ए की जगह ए का मान, एन एन का मान, डी डी का मान, इन दोनों का टाइम 29 आएंगे, गुणा करेंगे 87 आएंगे, माइनस ए घटा लो 77 आ गया, तो ए गया एक का मान। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाँ नोट कर लो और अगला क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, इसमें है हमारे पास देखो √2, √3, √2, √5, √2, ऐसे ही चलते हैं, हमें कहाँ तक चलना है 18 तक। हम जानते हैं ये A1, ये A2, ये A3, तो आपको यहाँ चलते जाना है और कहाँ तक आना है ये 18। तो ऐसे चलेंगे तो हमें ऐसे टाइम लगेगा और ऐसे हमें करना है क्योंकि एग्जामिनर हमें नंबर भी नहीं देगा। हमें क्या करना है कि सूत्र का यूज करते हुए हमें 18वें नंबर की संख्या बतानी है कि यहाँ 18वें नंबर पर, जैसे ये देखो पहले नंबर पर संख्या है √2, दूसरे नंबर पे है 3√2, तीसरे पे है 5√2, वैसे ही 18वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। इसको बताने के लिए हमारे पास सूत्र है an = a+n-1 × d। आपको पता है ये काय का सूत्र है, nवा पद ज्ञात करना। अब हम इसमें से a निकालेंगे, डी निकालेंगे और एन का मान निकालेंगे। ए आपको पता है प्रथम पद है, और प्रथम पद मतलब सबसे पहले जो संख्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है √2। दूसरे नंबर पे आते हैं हम, तो दूसरे नंबर पे √3, √2 लिख रहा है, तो हमें निकालना है डी, तो ये होता है दूसरे नंबर में से पहले नंबर की घटाओ, तो 3√2 में से √2 घटाना है। ये घटाना ये उस प्रकार है जैसे हमारे पास 3x-x है, तो आप जानते हो 3x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा 2x, ठीक वैसे के वैसे ही 3√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 2√2 आ जाएंगे। ये ध्यान रखना है थ्योरी से, जब भी रूट वाली संख्या है जो जोड़ घटानी हो तो वो जब जुड़ती जब भी घटती है जब वो सेम वाली हो, तो यहाँ भी √2 वाली है, ये भी √2 वाली है, तो ये उसी प्रकार होती है जिस प्रकार हम एक्स वाई वाले क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3√2 है उसको मान लिया हमने, 3x √2 है उसको, 3x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचता है 2x, तो सेम वैसे के वैसे यहाँ पे ये बचेगा, बस यहाँ इतना सा यही थोड़ा सा था, बाकी तो वही है जैसा अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में। एन एन आपको पता है ही सही कितना है 18। अब इसमें जमाते हैं, देखो सबसे पहले ए एन, तो एन मतलब 18, ए कितना है √2 प्लस 18-1, और डी का मान कितना है 2√2। देखो इसको तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
18 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 17, और गुणा करना है 2 × 2 = 200, तो 17 को 2 से गुणा कर लो, 1 × 17 = 17, 2 × 17 = 34, तो ये तो 34। इसको डिस्टर्ब करेंगे नहीं। अब यहाँ देखो 34√2 तो ये है और 1√2 ये है, तो 34 और 1 कितना हो गया 35, 35√2, तो ये जो 18वें नंबर पे संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 35√2, ये आपका आंसर। एक बार और देख लेना, देखो हमारा क्वेश्चन है √2, 3√2, 5√2, ऐसे ही 18 पद ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो जब कोई पद ज्ञात करना है उसके लिए सूत्र ये रहा आपके पास में, और वैसे भी अभी एक क्वेश्चन का एक ही सूत्र काम में लिया है अपन ने, और यही है इस प्रश्नावली में ये सूत्र लगा। पर ये लगाना कब होता है, जब कोई पद हमें ज्ञात करना हो या पदों की संख्या ज्ञात, तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं फिर डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए दूसरे नंबर में से पहले नंबर ही घटाते हैं, दूसरे नंबर में हमारे पास 3√2 है, पहले नंबर पर √2 है। बस ये घटाना ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह जाए तो आप x में चेंज कर लो और x में चेंज करके घटा, तो 3x में से 1x घटाएंगे 2x आएगा, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया था √2, तो यहाँ लिख दो, तो ये 2√2 हमारे पास t का मान आ गया। n का मान हमें हमारे पास यही सही 18, अब इनको इसमें जमाना है तो n की जगह 18, 1 की जगह √2, n की जगह 18, 1 और d की जगह ये दोनों घटाएंगे 17 आएगा, और 2√2 से गुणा करेंगे तो 34√2, 34√2 तो यहाँ पर है, 1√2 ये रहा, तो 34 और 1 हो गए 35√2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आप अब आते हैं अगली टाइप पे, चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है उसका प्रकार भी अलग ही है, क्वेश्चन है हमारे पास में समांतर श्रेणी 84, 80 और 76 का कौन सा पद शून्य है। अब इसमें कौन सा पद पूछा है, उसके पहले हमें देता था कि 18वां पद, लेकिन अब क्या बोला है कि कौन सा पद, मतलब हमें पद नहीं पता है कि कौन सा पद है। तो जब इस तरह क्वेश्चन देगा इसका मतलब है आपको n ज्ञात करना है। कौन सा पद आ गया, मतलब वो किस किसकी बात कर रहे हैं अपन, तो उसका मतलब है हमें n ज्ञात करना है। जैसे मान लो किसी बच्चे की बात कर रहे हैं अपन, एक क्लास में है, बोले कि भाई वो वाला लड़का खड़ा हो जाए, तो वही वाला खड़ा होएगा, तो उससे बोला कौन से वाले को खड़ा होना है, तो यहाँ आपको वही ज्ञात करना है कि n क्या है, कौन सा पद शून्य है, मतलब जो शून्य नाम है वो कौन सा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो वैसे अपन को बताना है कि कौन से नंबर पे, जैसे ये है पहला नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, वैसे ही जो जीरो आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, तो वो नंबर ज्ञात करना है। नंबर का मतलब होता है n ज्ञात करना है, ये n नंबर ही है अंग्रेजी में अपना बोलते हैं ना कौन से पद को, तो नंबर बोलते हैं, तो ये नंबर है n, इसलिए इसको n से लिखते हैं। अब ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है ये जो है इसमें चार चीज़ें रहती है, एक तो है nवां पद, पदों की संख्या a और d, तो ये जो पदों की संख्या है वो हमें पता नहीं है, तो वो हमें ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ए तो है ही सही, सबसे पहली संख्या ए, इसके बाद आता है हमारा डी का मान, तो डी जो है इन दोनों का अंतर a2 - a1 मतलब 80 - 84, ये हो जाएगा माइनस का 4। इसके बाद आया एन, जो हमें पता नहीं है क्योंकि एन ही ज्ञात करना है तो पता है ही नहीं। इसके बाद आता है an, तो उसने बोला है कौन सा पद शून्य है, मतलब शून्य नंबर पे जो संख्या है वो कौन सी है, तो शून्य संख्या है हमारी, तो ये शून्य है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जमाना है ए एन, मतलब आपके पास जो कोई नंबर का कोई है नंबर, वो हमको पता नहीं है कौन सा नंबर है, जैसे पहला दूसरा तीसरा, वैसे कोई एक एन नंबर है उस नंबर पर क्या लिखा हुआ है शून्य, जैसे 3 नंबर पर 76 लिख रहा है, वैसे इधर कोई नंबर है उस पर जैसे मालूम नंबर क्या लिख रहा है वो एन, तो n पे क्या लिख रहा है लास्ट में शून्य लिख रहा है, तो आपसे बोला है कि शून्य कौन से नंबर पे लिख रहा है, तो वो नंबर ही अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम जमाते हैं इसमें an, an का मान है शून्य, a कितना है 84, n माइनस 1 अपन को पता नहीं है, d जो है d कितना है माइनस के 4, जब भी क्या है कि d का मान अगर माइनस में आता है तो हमें क्या करना है, साथ में कोष्ठक लगा के लिख देना है। अब देखो
इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के दो तरीके हैं, मैं पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये प्लस में है इधर की और इधर की, ये पूरी, ये दोनों तो गुणा में है और ये प्लस में है, तो सबसे पहले प्लस वाली को ले जाओ इधर। जब इधर लाएंगे तो जीरो है, तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, चौरासी उठ के इधर आएगा। जब भी कोई भी संख्या अपना स्थान छोड़ती है और बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो चिन्ह चेंज होता है, तो चौरासी का इधर आते ही चिन्ह चेंज हो गया, माइनस का हो गया। अब यहाँ बच गया हमारे पास में एन माइनस वन और गुणा में चार। अब ये दोनों गुणा में है, आपको पता है कोई भी संख्या अगर गुणा में होती है और बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो क्या होता है, वो भाग में चल जाती है। तो इधर दे दो इसका भाग, बराबर यहाँ बच गया एन माइनस वन, माइनस से तो माइनस कैंसिल, चार का भाग इसमें इसका, तो हमारे पास आ गया। तो यहाँ लिखो एन माइनस ए बराबर इक्कीस, एन बराबर इक्कीस, माइनस का एक है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा और हो गया बाईस। मतलब बाईसवें नंबर की संख्या ऐसी है जो, या बाईसवें नंबर पे ऐसा, बाईसवा नंबर ऐसा है जिस पे क्या लिखा रहेगा, जीरो लिखा रहेगा, ये इसका मतलब। इसी जगह से आप इसको आगे दोबारा और देख लेना दूसरे तरीके से। ये ऐसा तो लिख रखा है। अब यदि मान लो जैसे हमारे पास तो ये है, आप इसको इधर नहीं ले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, हम इसको दूसरे तरीके, इसको इससे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के चार है, और इसको इससे करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का चार, चौरासी और चार ये हो जाएंगे हमारे पास कैसी, माइनस चार। अब ये माइनस का चार है ना, इसको ले आओ इधर तो ये चार एन बच जाएगा, ये हो जाएगा अट्ठासी, तो एन बराबर अट्ठासी बटा चार, भाग दे लो दो दिन का जाएगा। अब आपको जो अच्छा लगे, चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो, चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो, एक बार दोनों ही तरीके दोबारा देख लेना। सबसे पहले तो हमने इसमें से जो जो निकालनी है वो निकाली है। सबसे पहले जो लिख रहा है वो ए का मान है, इन दोनों का अंतर जो है वो डी का मान है, एन हमें ज्ञात करना है और एन हमें दे रखा है जीरो। देने के बाद हमने इसमें जमाया तो एन की जगह जीरो, ये ए का मान एन माइनस वन और ये डी का मान। अब इस जगह से हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए या तो आप यह तरीका अपनाओ या ये तरीका अपनाओ, मैं पहले इसको बताता हूँ। सबसे पहले देखो प्लस से इधर एक संख्या है, ये एक संख्या है जुड़ी हुई है, इधर भेज दी हमने माइनस का हो गया, ये दोनों गुणा में बची, गुणा वाली कोई भी संख्या दूसरी तरफ जाती है तो भाग में जाती है, हमने काटा तो इक्कीस आया एन माइनस वन, ये माइनस का एक है, अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस, ये हो गया बाईस, तो एन का मान आ गया बाईस। या तो ये है, अब इससे नहीं करते हो तो ये दूसरा तरीका आपके सामने है, ये इसी जगह से आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो जब माइनस को एन से गुणा करेंगे तो माइनस के चार एन, माइनस माइनस तो प्लस, चार को एक से करेंगे चार, तो ये चौरासी और प्लस के चार हैं तो जुड़ गया अट्ठासी हो गए, यहाँ है माइनस का चार है, इसको इधर भेज दो तो चार एन बराबर अट्ठासी, तो एन बराबर अट्ठासी बटा चार काटेंगे तो बाईस। तो या तो ये और या ये, जो अच्छा लगे उससे करना। और यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है कि n का जो मान है वो कभी भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, n का मान कभी भी दशमलव में या ऋणात्मक, मतलब माइनस में, एन का जो मान है कभी भी दशमलव में नहीं आता, ऋणात्मक नहीं आता और बटे में नहीं आता। एन का मान न तो कभी दशमलव में आएगा पॉइंट में, न माइनस में आएगा और न ही बटे में आएगा। एक पूर्ण संख्या आती है, एन का मान हमेशा पूर्ण संख्या
तो जब भी आपके एन का मान माइनस में इसमें बटे में या ऐसा जाए तो वो पद कोई पद नहीं होता है। अब मैं एक उदाहरण से बताऊंगा आपको, अब इसके बाद ये नोट कर लेना, इसके बाद अगला उदाहरण है लिख लो जिसने नहीं लिखा है, या स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला हमारा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, दूसरी का चौथा। क्या समांतर श्रेणी 11852 का एक पद माइनस 150 है? ये हमें बताना है कि ये 150 है या नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम करते हैं शुरू जैसे हमने और क्वेश्चन करे। का एक पद यह है, मतलब कौन सा वाला है वो ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n, ए है हमारा 11, टी है हमारा 8 माइनस 11, मतलब माइनस का 3। तो देखो हम पीछे जा रहे हैं, तो वैसे भी देखो देखते ही पता चल जाती है सारणी हमारी जो है समांतर श्रेणी वो बढ़ रही है या घट रही है। यहाँ देखो 11852, मतलब हम कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसका मतलब डी का मान ज़्यादातर क्या आएगा, डी का मान चांस क्या का है कि माइनस का आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ए एन उसने दे रखा है कि एक पद माइनस 150 है, मतलब कोई ना कोई पद है जो कौन सा है कितना है माइनस का 150, माइनस आ गया तो आपको भी पता हो जाना चाहिए कि हम ये ए एन का मान है, क्योंकि एन का मान तो माइनस में हो ही नहीं सकता। तो अब हम जमाते हैं हमारे, चलो यहाँ देखो ए एन, ए एन कितना है माइनस का 150, ए कितना है 11, डी कितना है माइनस का 3। तो सबसे पहले यही है कि चाहो तो उसको गुणा कर लो, माइनस 3 एन प्लस की 4 प्लस की 11 और 3 14 इधर आएगा, दोनों को जोड़ेंगे माइनस 164 इक्वल टू माइनस 15, माइनस से दोनों माइनस कैंसिल या ऐसे रहने दो, 3 एन इधर ले आओ, इससे ये कैंसिल, 3 का भाग 1 का 3 5 या 15 और 14 जाएगा नहीं, आगे इसमें देखो 3 का भाग जा नहीं रहा पूरी पूरी बात, जब 3 का भाग जाएगा नहीं तो मैंने भी बताया था आपको n का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसमें माइनस में बटे में इनमें नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस 150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, ये इसका कोई पद नहीं हो सकता है, माइनस 150 14 माइनस के 3 है, यहाँ हमने भाग दिया भाग जा ही नहीं रहा, तो जब भाग जा ही नहीं रहा है तो इसका कोई पद भी नहीं हो सकता है। तो ये आप विशेष ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है और आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, एक बार और देख लेना, फिर आज की क्लास यहीं खत्म होगी, उसके बाद आपको फिर होमवर्क मिलेगा, इसको देख लेना। 11852 का एक पद माइनस 150 है, ये था एक पद माइनस 150 है, मतलब हमें ये पता करना है कि 150 जो है वो है भी या नहीं है कोई से नंबर की संख्या, तो वो नंबर हमें ज्ञात करना है। नंबर ज्ञात करने के लिए इसके पहले जो क्वेश्चन में किया था सेम वे का वही काम करना है, तो ए बराबर 11 डी बराबर माइनस 3 एन क्वेश्चन मार्क है, और ये इनको जमाना है। जमाने के लिए मैंने ये आपको दो तरीके बताए थे सोल्व करने के, तो आप सेकेंड वाला जो है उससे कर सकते हो, फर्स्ट वाले से कर सकते हो। यहाँ हमने क्या करा है, ए एन का मान तो है हमारे पास माइनस 150, तो माइनस 150 ए का मान है 11, एन माइनस 1 और डी का मान है माइनस का 3, तो इस 3 को जो है माइनस का उसको इन दोनों से गुणा करो, इससे करेंगे माइनस के 3 और इससे करेंगे प्लस का 3, तो 11 और 3 हो गए 14 और ये माइनस के 3 एन, तो माइनस के 3 एन है जो यह रहने दो, 14 जो है वो 150 के साथ ले जाओ, और जब भी कोई संख्या हम ले जाते हैं माइनस वाली
तो प्लस होती है और प्लस वाली ले जाते हैं तो माइनस होती है। दोनों समान चिन्ह आगे समान चिन्ह होते ही ये हमें पता है कि हमें जोड़ना है, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे और जोड़ते ही संख्या तो वही रहेगी 164 हो गए और चिन्ह वो आ जाएगा माइनस का। इधर माइनस के 3 है वो जाएगा बटे में, माइनस है तो माइनस कट गया और ये तो हो गया एन कट पाई नहीं रहे, तो जब निकटेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये इसका कोई पद नहीं है। ये आज का होमवर्क है आपका, पहले टाइप के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका होमवर्क तो ये है और दूसरे टाइप के जो कर रहे थे उसका ये है। ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे दोनों क्वेश्चन, पहले नंबर में तो ये मिल जाएंगे, दूसरे नंबर वाले में ये है, उसमें से ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और इसको नोट कर लेना, होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड कर देना।